गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। एक और कंपैरिजन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे है टेक की वर्ब नियो, और जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और यहाँ पे बोट की है वॉच जेनेट, जो कि आपकी अमेज़ॉन पे ही अवेलेबल है। दोनों ही सेम प्राइस ब्रैकेट में आती है, 199 रुपीज़ में अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, और इनका प्राइस मे बी इन फ्यूचर बढ़ जाए अभी, क्योंकि अभी सेल पे ही आपको मिल रही है इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील शेयर करते रहते हैं आप सभी के सामने। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बोट की, वो जेनिट का मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग, डीप डाउन रिव्यू सब कुछ कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो, मैं कार्ट में लिंक दे दूंगा वीडियो की, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को भी। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले की बात मैं करूँ, तो यहाँ पे वर्ब नियो या आपकी जेनिट, दोनों ही आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है कि आपको एक सर्कुलर वॉच चाहिए जेनिट की तरह, या आपको स्क्वायर वॉच चाहिए वर्ब नियो की तरह। यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जेनिट में आपको 1.3 इंचेस की एलसीडी डिस्प्ले मिलती है 240x240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, और वर्ब नियो में आपको 1.69 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, एचडी टू एचडी डिस्प्ले मिलती है, और 1.69 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। ऑल्दो दोनों ही एचडी टू एचडी मिलती है आपको, बट यहाँ पे स्पोर्टी लुक थोड़ा सा देती है जेनिट एज कम्पेयर टू वर्ब नियो, आपको थोड़ा सा फॉर्मल लुक देती है। और 2.5D कर्व ग्लास वर्ब नियो में यूज़ किया गया है, जेनिट में आपको 2.5D कर्व ग्लास नहीं मिलता, बट यहाँ पे एक रिंग प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। दोनों में ही स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास भी आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा कि आपको एक सर्कुलर वॉच चाहिए या स्क्वायर वॉच चाहिए, देन ओनली आप इस कंपैरिजन को देखिए। यहाँ पे बात करें रेस्टोविक मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता, और एंड तक टिके रहिएगा ताकि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए। कंक्लूजन मैं एंड में दूंगा इस वीडियो के। 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है, और जो शार्पनेस है वो जेनिट की डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू वर्ब नियो, और पर पिक्सल डेंसिटी जैसे कि जेनिट में ज़्यादा मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस यहाँ पे वर्ब नियो की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जेनिट, बट जेनिट में जो ब्राइटनेस लेवल्स है पता नहीं अमेजिंगली बेटर है। बोट की वॉचेस में जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई किए जाते हैं मेरे ख्याल से, जब भी हर एक बोट की वॉच में जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं बेटर हैं। तो बट अगर हम कंपेयर करें पुरानी जो बोट की वॉच फ्लैश थी उससे, मैंने कंपेयर किया था ऑलरेडी, तो उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल्स कम लग रहे थे, बट आई डोंट नो, पता नहीं अभी जो बोट वॉच को मैन्युफैक्चर कर रहा है जितनी भी, उसमें ब्राइटनेस लेवल्स बेटर ही दे रहा है। जैसे कि वर्टेक्स में जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसमें कहीं ना कहीं ब्राइटनेस लेवल्स बेटर थे। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेसेस की, तो यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस लगा सकते हो। जेनिट में 300 से भी ज़्यादा आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं, जो कि सेट में है अवेलेबल, और मैंने जो रिव्यू किया था उसमें बताया हुआ था ऑलरेडी। अब बात आती है यहाँ पे अपने पिक को ऐसा वॉच फेस लगाने की, तो वर्ब नियो में अवेलेबल है, बट जेनिट में ऐसा कोई फीचर मेरे को मिला नहीं, बट अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किस तरीके से कैसे लगेगा। मैंने बहुत ट्राई किया, बट अपने पिक को ऐसा वॉच फेस आप नहीं लगा सकते, ऐसा फीचर मे बी इन फ्यूचर अपडेट्स कंपनी ऐड कर दे। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे वर्ब नियो में 13 स्पोर्ट्स मोड है एक्सपेक्टेड है, जेनिट में 7 स्पोर्ट्स मोड ही मिलते हैं आपको, और IP67 की आपको दोनों में ही रेटिंग मिल जाती है, जो कि 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक है, और कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज का ऑप्शन मिल जाता है। बट वर्ब नियो की जो एक्यूरेसी थोड़ी सी स्लाइटली बेटर है जेनिट से, यहाँ पे सरफेस टच को ये वर्ब नियो पास कर जाएगी एज कम्पेयर टू जेनिट आपकी सरफेस टच को फेल कर जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल है, जो कि सिमिलर है। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक का ऑप्शन नहीं मिलता, बट आपको वाइब्रेशन के थ्रू आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, अलार्म क्लॉक, स्टॉपवॉच, कॉन्टेंट टाइम, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे बहुत कम आपको लैग देखने को मिलेगा दोनों में से किसी में भी, और ब्लूटूथ वर्जन भी आपको 5.0 मिल जाता है, 4 से 5 मीटर तक की रेंज आपकी कन्फर्म है, और फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है वर्ब नियो में, जेनिट में आपको फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का मिल ही जाता है। एंड्रॉइड iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो, और जैसे कि मैंने रिव्यू में बताया हुआ है ऑलरेडी कि जेनिट की जो एप्लीकेशन है थोड़ी सी अलग है, बोट की बोट हब नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, और वर्ब नियो के लिए आपको टैग की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो आप सर्च ऑन कर सकते हो iOS स्टोर पे या आपके जो प्ले स्टोर पे अगर अवेलेबल है, तो ये दोनों ही वॉचेस पेयर हो जाएंगी। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है, और सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं दोनों के डिफरेंट है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, और सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है आपको वर्ब नियो में, और जेनिट में आपको ड्यूअल बटन कंट्रोल मिलता है, जो कि आप गेस्चर्स का भी यूज़ कर सकते हो अपना लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी, तो यहाँ पे आपको 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है दोनों ही वॉचेस, 2 घंटे फुल चार्ज होने में ले लेती हैं। इसी के साथ साथ एक्सपेक्टेड कैपेसिटी जो है वर्ब नियो की वो 180mAh हो सकती है, और जेनिट में आपको 190mAh टू बी यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं हूँ, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे 10 दिन का टाइम क्लेम करती है पेपर दोनों ही वॉचेस, मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके मतलब ब्लूटूथ को कट डाउन कर दिया, सिर्फ आप टाइम देख रहे हो और स्टेप्स काउंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में 6 से 5 दिन चल जाएगी दोनों ही वॉचेस, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो 3 से 4 दिन चल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर यूजेस। अब मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे HR मॉनिटर दोनों ही मिल जाते हैं, SPO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग ऑप्शन अवेलेबल है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल है, और गाइस सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है, तो दोनों ही वॉचेस में मेन फीचर्स इक्वल ही
आ जाते हैं। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। यहाँ पे वर्ब नियो या जेनिट की बात में करूँ तो मेटल बिल्ड है और बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। 43 ग्राम्स की ऑन द पेपर है वर्ब, और जेनिट है अप्रॉक्सीमेटली 45 ग्राम्स की पड़ती है आपको। 20 mm स्ट्रैप साइज है, तो दोनों का ही आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, और इवन आप मार्केट से 20 mm का बाय करके लगा भी सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है अच्छी है, बेटर है, और मिड क्वालिटी तो दोनों की अच्छी आपको मिली जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि दोनों ही वॉचेस सेम प्राइस ब्रैकेट के साथ अभी अवेलेबल हैं अमेजोन पे, तो आप ग्रैब ऑन कर सकते हो। बेस्ट वैल्यू मैंने अपडेट कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट यहाँ पे आप कंक्लूजन की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्ब नियो की और जेनेट की, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए। अगर आपने गौर किया हो, अगर आपको सर्कुलर वॉच चाहिए, थोड़ी सी प्रीमियम चाहिए, तो आप जेनेट के लिए जा सकते हो। एक्यूरेसी लेवल एवरेज ही है, बहुत अच्छा नहीं है। बट अगर आपको एस्ट्रो डिस्प्ले चाहिए, साथ में आपको एक्यूरेसी लेवल स्लाइटली बेटर चाहिए, स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए वर्ब नियो बनी हुई है। बट एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वर्ब नियो की जगह आप वर्ब की प्लस भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको टेम्परेचर मॉनिटर भी मिल जाता है। उसका मैंने डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ और वो भी अच्छी है, बट वहाँ पे आपको टेम्परेचर मॉनिटर एक्स्ट्रा मिल जाता है। अभी उसका प्राइस बढ़ चुका है 2500 रुपीज़। बट अगर आपका जो प्रायोरिटी है वो टेम्परेचर मॉनिटर नहीं है, तो आप वर्ब नियो के लिए भी जा सकते हो, ये भी अच्छी है, क्योंकि टैग की वॉचेस में जो एक्यूरेसी लेवल होता है स्लाइटली बेटर होता है अदर वॉचेस से। तो और जेनेट कहीं ना कहीं हाथ में प्रीमियम लगती है। अगर आपका स्मॉल हैंड्स हैं या मतलब मीडियम हैंड्स है, तो उसमें जेनेट वॉच डेफिनेटली बेटर लगेगी 1.3 इंचेस के साथ। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा जो कंपैरिजन है वो ख़त्म होता है वर्ब नियो वर्सेस बोट की जेनेट के लिए। आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।